गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। ओके, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। एक सेंटेंस हम देखेंगे, राम विद्यालय जाता है। अब बताइए, अगर उसने जो है संज्ञा शब्द बताइए क्या है? राम। अच्छा, इसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? वेरी गुड, वह विद्यालय जाता है। ठीक है, वह शब्द क्या हुआ बेटा? ठीक है, वह शब्द क्या हुआ? सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाए? सर्वनाम कहलाए। ठीक है, अब सर्वनाम के भेद देखेंगे। ओके, ठीक है, पहला है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक संबंधवाचक, जातिवाचक संज्ञा होती है बेटा, और लास्ट है निजवाचक। निज वाचक। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या होता है बेटा? वह सर्वनाम जो दो व्यक्तियों या अन्य किसी व्यक्ति के विषय में बातचीत होती है तो उनका बोध कराए, है ना। जब दो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करें तो उसका जो बोध कराए उसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम और अन्य। ठीक है बेटा, उत्तम पुरुष यानी स्पीकर, बोलने वाला जो बात कर रहा है। ठीक है, बोलने वाला क्या होगा? उत्तम पुरुष। वाक्य में जो बोलता है वो क्या हो जाएगा बेटा? क्या बोलेंगे उसे जो बोल रहा है? उत्तम पुरुष। जो सुन रहा है वो? सुनने वाला? मध्यम। और जिसके बारे में बात हो रही है? एक उदाहरण हम देखेंगे, रमा ने कहा, रमा ने सीता से कहा, अकुल आज विद्यालय नहीं आया था। ठीक है, रमा ने सीता से कहा, अकुल आज विद्यालय नहीं आया था। अब है इसमें बताओ, प्रथम पुरुष कौन है, मध्यम कौन है, अन्य कौन है? हाँ, एक सेंटेंस मैंने बताया आपको कि रमा ने सीता से कहा कि अकुल आज विद्यालय नहीं आया था। एक मिनट बेटा, एक ही करना है। अच्छा बताओ, हाँ, रमा उत्तम, वेरी गुड,
सिया मध्यम और अकुल अन्य। ठीक है बैठो। तो रमा बोल रही है, सुनने वाली कौन है? सिया उसको बोल रही है, वो हो जाएगी मध्यम। और किसके बारे में बात हो रही? अकुल के बारे में बात हो रही। तो अकुल क्या हो जाएगा? अन्य। ठीक है तो समझ गए इसका आप लोग। ओके अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो किसी दूर या पास के व्यक्ति या वस्तु के निश्चित सूचना आपको दे, है ना? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के, वो दूर हो या पास हो, उसके बारे में जो निश्चित सूचना आपको दे वो कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने कहा यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, वह बादल तुम्हारी है। तो ये क्या है? निश्चित सूचना हम दे रहे हैं आपको इन वस्तुओं के बारे में। ठीक है ना? वह लड़की गीता है, हमने निश्चित सूचना दी, तो वो हो जाएगी निश्चयवाचक सर्वनाम। जहां पे निश्चित सूचना नहीं दी जाती ठीक, उसको कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। यहां कौन आया होगा, वह कौन है, यह किसकी पुस्तक है, ठीक है, उधर कोई आ रहा है, इस तरीके के जब जो है सेंटेंस होंगे वहां पे, जहां पे आपको निश्चित सूचना नहीं दी जाएगी वो कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक। फिर है संबंधवाचक। वाक्य में किसी भी संज्ञा सर्वनाम का आपस में जो संबंध बताए उनको कहेंगे हम संबंधवाचक। जैसे हमने कहा जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा, ठीक, जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। तो जो और वो दोनों आपस में संबंध बता रहे हैं कि जो भी परिश्रम करेगा वही तो सफल होगा, जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। इस तरीके सेंटेंसेस किसके उदाहरण है? संबंधवाचक के। फिर है प्रश्नवाचक। ठीक है बेटा, ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य करे, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, वहां पर जो है कौन बैठा है ना, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, ये सारे क्या है? प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर है निजवाचक। जहाँ पे जो है कर्ता की निजता प्रकट करें जो शब्द, जैसे मैं अपने आप चले जाऊंगा, मैं यानी सब्जेक्ट, अपने आप किसके लिए आया? सब्जेक्ट के लिए आया। ठीक है, तो कर्ता के लिए जो अपनी निजता प्रकट करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। समझ आ गया? कर पाओगे ने? अपने अपने नोटबुक निकाले और डेफिनेशन लिखते चले जाइए फटाफट। ठीक है, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम की डेफिनेशन सारे बच्चे लिख लेंगे ना खुद से? वेरी गुड बेटा, लिखिए फटाफट। क्या बेटा? मैम सेकंड राउंड में फर्स्ट चैप्टर है ना? नहीं नहीं, कारक वाणी से पहले आपको, कारक हो चुका है ना बेटा? ये सेकंड चैप्टर आपका।